हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, उसकी ग्रेड सेकंड की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, आपको पता होगा ग्रेड सेकंड की ये भर्ती है, मतलब जिसमें आपको 4200 ग्रेड पे सैलरी मिलेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें 300 पदों पर टोटल वैकेंसी आई है। और इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, और इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड की भर्ती आई है, जिसमें टोटल 300 पद है, और इसमें जनरल के लिए टोटल आपको देख सकते हैं 85 पद है, और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 37 वैकेंसी है, जो ओबीसी के लिए है। एमबीसी के लिए 8 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 20 वैकेंसी है, और एसटी के लिए टोटल 24 है, और एससी के लिए 30 वैकेंसी इसमें रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों, जो इसमें ओरिजिनल रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह उनको यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो यहाँ से आप दोस्तों देख लेना, जो भी आप विकलांग कैटेगरी वगैरह में जो भी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज वगैरह, सबका यहाँ पे लिखा गया है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटे जो भी आपका इसकी अंतिम दिनांक क्या है, कब फॉर्म भर जाएंगे, इसके लिए योग्यता क्या रहती है, वो दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट किया है, यानी जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होता है वो किया है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय यूजीसी विथ डिग्री, या इसके अलावा आपने कोई भी इसके जैसा लाइब्रेरियन डिग्री जैसा कोई कोर्स किया है, या आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया है, तो भी दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके ग्रेजुएशन, पहले तो आपने कोई बीए की है, या बीएससी बीकॉम, या कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन की है, बीए बीएससी बीकॉम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ली है, और उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन की, जो लाइब्रेरी की ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा किया है, जैसे हमारे राजस्थान में कोटा ऑफर में जो DLIS जो 12वीं पास डिप्लोमा होता है, और BLIS जो ग्रेजुएशन के बाद डिग्री होती है लाइब्रेरियन की, एक साल की डिग्री होती है लाइब्रेरियन की, और कोटा ऑफर में एक साल का लाइब्रेरी का डिप्लोमा होता है, तो वो दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने वो डिप्लोमा कर रखा है। और अगर किसी ने उसमें एडमिशन ले रखा है और उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों, एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा या डिग्री कोई भी कर रखा है, तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद ये लाइब्रेरी वाला डिप्लोमा किया है, तो भी दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल, यानी ग्रेड पे आपको 4200 पे इसको आपको वेतन दिया जाएगा। ग्रेड पे 4200 है, इसकी सैलरी आपके 40,000 से दोस्तों ज्यादा होती है। और दोस्तों, इसमें आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2025 को, न्यूनतम 18 वर्ष, और अधिकतम आपकी 40 वर्ष दोस्तों इसमें आयु होनी चाहिए। और अधिकतम आयु में आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें 5 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार आपको ऊपरी आयु में छूट भी मिलती है। तो आप जिस भी अगर आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। और दोस्तों, इसमें जो अन्य जानकारी दी गई है वो आप नोटिस में पढ़ लेना, मैं आपको नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और दोस्तों, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है वो दोस्तों 20 मार्च 2023 रहने वाली है, और 20 फरवरी से इसके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। RPSC द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और आपको SSOID से ही फॉर्म भरना है। आपने एक बार OTR कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपकी इसमें फीस नहीं लगेगी, आप बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपके एग्जाम, अगर आपने एडमिशन ले रखा है लाइब्रेरी कोर्स में, तो मैं बता दूं, जब इस लाइब्रेरी कोर्स का जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन तक आपका ये डिप्लोमा है, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी का, वो दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो आप डिप्लोमा कर लेते हो या फिर डिग्री कर लेते हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जिस दिन भी इसकी परीक्षा होती है, उससे पहले पहले आपको वो लाइब्रेरी का डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ये परीक्षा दोस्तों आपको पता होगा जनवरी या फरवरी 2025 में ही होगी, पहले ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि RPSC का कैलेंडर है वो दोस्तों लगभग दिसंबर 2024 तक फिक्स हो चुका है। दिसंबर में आपके संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, उसका एग्जाम होगा, उसके बाद ही लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा, पहले आपका एग्जाम ये नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें फीस शुल्क दी गई है, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपकी इसमें शुल्क नहीं लगेगी, वरना आपके 450 रुपये शुल्क लगेगी। और इसमें आपके पेपर फर्स्ट है, इसमें आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर फर्स्ट होगा, और 200 का ही आपके पेपर सेकंड होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपको अलग अलग 40% नंबर है वो दोस्तों लाने जरूरी है, तभी आप पास हो पाओगे। और इसमें आप फर्स्ट पेपर में आपके राजस्थान का जो भी जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज है वो आएगा, उसके साथ राजस्थान का करंट अफेयर, उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आएगा, और आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है वो भी दोस्तों इस लाइब्रेरी में आने वाली है। और सेकंड पेपर होगा वही आपके 200 नंबर का होगा, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव और प्रोसेसिंग और लिटरल लेवल, जो भी होता है लाइब्रेरी से संबंधित आपका जो भी सब्जेक्ट है, उससे सब्जेक्ट से संबंधित आपका सेकंड पेपर होगा। इस प्रकार आपके दो पेपर होंगे, इसमें आपके 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, और इसमें आपको 40-40% तो नंबर है वो दोनों पेपरों में अलग अलग लाने जरूरी है। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, इस विज्ञप्ति को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चैनल लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।